अक्षय कुमार आजकल निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, अक्षय कुमार ने हाल ही में सूर्यवंशी से जुड़े दो जबरदस्त पोस्टर शेयर करके फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म की, जो कि अगले साल ईद पर रिलीज की जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस खबर से अक्षय कुमार के फैंस तो काफी ज्यादा खुश नजर आए, लेकिन एक फैन वर्ग अक्षय कुमार से काफी खफा खफा दिखाई दिया। यह फैन वर्ग था सलमान खान का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सलमान पिछले कई सालों से हर ईद पर अपनी एक फिल्म लेकर आते हैं, तो ऐसे में अक्षय कुमार के इस पोस्टर पर सलमान खान के फैंस काफी खफा नजर आए और अक्षय कुमार को ट्रॉल करते हुए भी दिखे, और साथ ही ये भी कहा कि तुम जल्द ही रिलीज डेट चेंज भी करोगे, क्योंकि अक्षय कुमार सलमान खान के आगे अगर आएंगे तो एक बेहतरीन क्लैश बॉलीवुड को देखने को मिलेगा। वहीं सलमान के फैंस का मानना है कि अक्षय कुमार सलमान के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ईद हमेशा सलमान खान की है। चाहे सलमान खान उस पर अच्छी फिल्म लाए या फिर बेकार, हर फिल्म सलमान की वहां पर 100 करोड़ जाती है, जिसका सीधा सीधा नतीजा ट्यूबलाइट और रेस 3 जैसी फिल्मों को देखकर भी लगाया जा सकता है कि सलमान की फैन फॉलोइंग ईद पे डबल हो जाती है। ऐसे में क्या अक्षय कुमार सलमान खान से सामना कर पाएंगे ईद पर, ये देखना खास कर सही साबित होगा। रोहित शेट्टी की ये फिल्म अगले साल ईद पे आएगी। देखना होगा कि सलमान खान की ईद पर कौन सी फिल्म आती है, क्या वो दबंग का तीसरा भाग होगा या किक का अगला भाग। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन होगा इस क्लैश का विजेता। सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि बॉलीवुड की आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।